फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ टेबल ऑफ कंटेंट कैसे हेल्प करता है आपका एसईओ में। जैसे कोई आप आर्टिकल लिखते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से जो विजिटर है उसके बहुत सारे बेनिफिट होता है, और टेबल ऑफ कंटेंट कैसे सेटअप करना है और उसका बेनिफिट के बारे में हम पूरे डिटेल्स आज बताएंगे। तो पहले डिटेल्स बेनिफिट बताएंगे, उसके बाद बताएंगे उसका सेटअप कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट फिट सेट करोगे अपना वेबसाइट में, तो आपका वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे मैंने एक आर्टिकल्स लिखा 9 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में बंदा जैसे फर्स्ट एक दो लाइन जो भी पढ़ेगा, पढ़ने के बाद ये सीधा आएगा। तो यहाँ आके सारे देख सकते हैं वो कौन सी प्लगइन से कौन सा बेस्ट 9 प्लगइन है, 10 प्लगइन है, जो भी प्लगइन है उसके बारे में जा सकता है। फिर वहाँ से ये वह क्या कर सकता है, जो विजिटर है वो जम मार के कोई भी प्लगइन में, जैसे मैंने ऑटो ऑप्टिमाइज बारे के प्लगइन से बारे में लिखा, तो ये है वो डिटेल्स इस प्लगइन तक पहुँच सकता है। ठीक है, ये बेनिफिट होता है विजिटर का। जो विजिटर आता है उसको पढ़ने में बहुत ही ईजी होता है और एसईओ के लिए ये बेस्ट है। आप किसी भी वेबसाइट में जाओगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इसको सेटअप कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ। ये मैंने पहले से निकाल कर रखा है ईजी टेबल ऑफ कंटेंट, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको सेटअप बताता हूँ कैसे। इसी ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जैसे आप कोई आर्टिकल्स लिखोगे तो आपका जो H1 H2 टैग वगैरह आप यूज़ करोगे ना, उसको ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ऑटोमेटिक आपको जो पेज व्यू वगैरह होगा उसमें आप ये सेटअप हो जाएगा। मैं एक थोड़ा बहुत आर्टिकल्स आपको लिख के और इसको सेटअप करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसका सेटिंग मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सेटिंग जैसे आप सेटिंग करोगे तो ये कहाँ आया, इसको इजी टेबल ऑफ कंटेंट जो आया, ये जो प्लगइन से इसमें आपको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा इसमें है, तो इसमें इजी इसमें सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो इसमें पेज दिया है, इसमें से आपको सिर्फ इसको पेज को हटा के सिर्फ पोस्ट में करना है। ओनली आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट अगर पोस्ट में लगाओगे, और सबसे बेस्ट है एनेबल सपोर्ट और इसमें ऑटो इंसर्टर पोस्ट कर देना। ज़्यादा नहीं, इतने को आपको साइड बार में भी नहीं चाहिए, साइड में मेन पोस्ट में ज़रूरत पड़ता है, इस पर पोस्ट करना है इसको। और इसमें आप पोजीशन बिफोर फर्स्ट हेडिंग, इसका डिफ़ॉल्ट सेट है, और शो इन फोर मोर हेडिंग इन द प्रेजेंट, फोर होना चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंट और डिस्प्ले हेडर लेवल सही है, और हेडर लेवल इतना है, शो अलाउ टू यूज़ द एबिस्ट से ठीक है, और बाकी इसमें सभी फिट है। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जो H1 जैसे लिंक वगैरह डालोगे, जैसे जैसे कंटेंट जो टाइटल है उसको कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, जो विजिबल लिंक होगा उसको भी कलर चेंज। मैं इसको करके दिखाता हूँ एक बार कैसे करना है। और इसमें आपको शो जो कराना है, जैसे H1 टैग तो एक ही होता है, तो H1 टैग को आप शो करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। H2 H3 जो भी टैग लगाओगे पूरा शो होगा, और उसमें आपका फॉन्ट का साइज़ भी छोटा बड़ा हो जाएगा। अभी इसको मैं करता हूँ सेव। करने के बाद मैंने क्या करना है, मेरे को एक पोस्ट लिखना है, फिर आपको बताता हूँ एक न्यू पोस्ट लिखना है कैसे ये दिखता है, और सेटअप करने के बाद कैसे दिखता है ये भी बता दूंगा। तो मैंने इसके लिए एक डेमो कंटेंट लिख के रखा है, मैं इसको थोड़ा बहुत लिखूंगा तो आपको दिखा दूंगा ये कैसे हेल्प करता है कैसे। मैं इसमें लिखा बेस्ट वर्डप्रेस थीम, ठीक है, ये मेरा टाइटल है, इसको शो नहीं करेगा, ये बेस्ट वर्डप्रेस थीम है। अभी मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ जो मैंने लिख के रखा हूँ, इसको मैंने पूरा कॉपी करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। ये जो जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली क्या काम कर देता है आपको, ये मैंने लगा दिया सेटिंग। अभी क्या है, ये मैंने जैसे टाइटल लिखा H1 टैग है, ये ऑटोमेटिक वर्डप्रेस में ले लेता है। उसके बाद आपने क्या लिखा दूसरा जो DV थीम के बारे में, इसको आपको यह क्लिक करना है और H2 देना है, ये H2 टैग में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको ये भी H2 देना है, H2 दे सकते हो। अभी इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं दूसरा एक टैग बना देता हूँ, मान के चलो यहाँ मैंने क्या करता हूँ इसका डिटेल्स डालता हूँ, डिटेल्स
डिटेल्स, और डिटेल्स को मैंने कर देता हूँ एच टू टैग। ये सिर्फ एग्जाम्पल तौर पे, अब मैं इसको करते एच टू टैग, और इसको कुछ लिखने के बाद मैं यहाँ कर देता हूँ डिटेल्स, डिटेल्स सॉरी डिटेल्स पे गलत हो गया, डिटेल्स। और इसको करता हूँ एच टू नहीं, एच टू टैग नहीं, एच थ्री टैग कर देता हूँ। तो कैसे शो करता है मैं एक बार दिखाता हूँ। मैं इसको सेव एंड ड्राफ्ट करूँगा, उस वक्त जैसे मैं प्रीव्यू में जाऊँगा ये दिखाएगा कैसे दिखता है। जैसे मैंने प्रीव्यू किया और डेस्कटॉप वर्जन में जाता हूँ, इसको जैसे प्रीव्यू करा तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक है अपने आप सेटअप कर देगा। देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट में क्या, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें डीबी थीम उसका डिटेल्स, अल्ट्रा थीम उसका डिटेल्स। तो इसमें आप फीचर भी लगा सकते हो, इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो कोई बंदा इसमें डायरेक्ट, जैसे कोई इसमें आपने लिखा 9 बेस्ट थीम या 10 बेस्ट थीम के बारे में लिखा, तो बंदा कोई भी थीम में जंप मार के उसके डिटेल दे सकते हो, उसको पूरा स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग बहुत ईजी है, अब मैंने दिखा दिया। तो टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर सकना, यूज़ हर कोई वेबसाइट में करता है, और बहुत ईजी है एसईओ के लिए, और जो विजिटर है तो उसके लिए बेस्ट है। तो कोई भी इसके लिए अगर सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो कमेंट करना, मैं जरूर हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।